को मेरी तरफ से नमस्ते। और जब मुझे पता चला इस घटना का, बहुत ही दुखदायक घटना है, ऐसी नहीं होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं अगर होती रही तो समाज पे बहुत गलत इफेक्ट पड़ता है। हर घर में बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अगर बेटी बचानी है तो इस काम के लिए थोड़ी बचानी है कि कोई मार दे कोई गिर दे। ये कोई पहली घटना नहीं है, आप समझ रहे हैं कि कोशिश करो। इससे पहले भी भीलवाड़ा में बेटी को जिंदा जला के कुएं में मार दिया था, वो भी एक रेप केस था। जब तक समाज एकजुट नहीं होगा तब तक ये घटनाएं नहीं रुकेगी, और घटनाएं नहीं रुकेगी तो ऐसे बेटियां कभी सुरक्षित नहीं रहेगी। आप ये मत सोचो कि मैं बॉडी बिल्डर हूँ तो मैं ये संदेश देने आई हूँ। मैं संदेश देने नहीं आई, मैं सबसे निवेदन करने आई हूँ सर्व समाज से कि आप इस जिस बेटी की हत्या हुई है, इस घटना को रोकने के लिए सर्व समाज को इकट्ठा होना पड़ेगा और बेटियों को सुरक्षित करना पड़ेगा। हर घर में बेटी है, बेटी बिना घर सुना संसार सुना सृष्टि सुनी, अगर बेटी नहीं बचेगी तो इस सृष्टि की रचना कौन करेगा? किस घर में लक्ष्मी आएगी? बेटी का दूसरा नाम लक्ष्मी है, बहू का नाम दूसरा नाम लक्ष्मी है, माँ का दूसरा नाम लक्ष्मी है। कहने को हम माताएं पूछते हैं, दुर्गा माता पूछते हैं, लक्ष्मी माता पूछते हैं, सरस्वती माता पूछते हैं, भारत माता भी एक माता है। हम भारत माता के नारे देते हैं कि भारत माता की जय भारत माता की जय, पर वो भी तो एक बेटी है। क्या सही मायने में हम भारत माता की रक्षा कर पा रहे हैं? आप सहमत हो तो बताओ। नहीं हो रही ना, तो मैं यही कहूंगी कि आप बेटियों की रक्षा करें, समाज एकजुट हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा हमेशा उसको कायम करें कि हम बेटियों को आगे बढ़ाएंगे, बेटियों को आगे बढ़ाएंगे। बेटी सुरक्षित है तो देश सुरक्षित है, समाज सुरक्षित है, हर नव युवा सुरक्षित है। तो मैं निवेदन यही करती हूँ कि बेटियों के लिए आप लोग आगे आए, दहेज देना बंद करो। सबसे पहले दहेज प्रथा के कारण बेटियां मारी जाती है, बेटियां पढ़ने जाती है तो ऐसे गांव दरिंदे सरेआम घूमते हैं, उनको नोचो। समाज में यही संदेश जाता है कि समाज अपने हर क्षेत्र में समाज को बांट दिया गया है, ये जाट है, ये मेघवाड़ है, ये बामण है, ये बढ़िया है। तो बेटियां बट गई क्या? बेटियां तो सबकी बहन बेटी है ना, तो आर खत्म हो जाएंगे, आप लोगों की वैल्यू खत्म हो जाएगी और बेटियां सुरक्षित रहेगी तो क्राइम के खिलाफ लड़ पाएगी। आप अपनी बेटी को खुद को इतना मजबूत करो, बेटी को घर में दबाओ मत, उसको आगे बढ़ाओ, उसको ऐसी शिक्षा दो कि ऐसे दरिद्रों को खुद ही नोच ले। एक दिन ऐसा आएगा कि अस्त्र और शस्त्र बेटी उठा के खुद अपनी रक्षा करेगी। वो दिन दूर नहीं है जब प्रशासन नहीं सुन रहा तो महिलाएं खुद आगे आए और अपनी रक्षा करें। मैं इतना ही कहना चाहूंगी, आगे के समय के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं बहुत आगे जरूरी है और ऐसे ही मैं समाज के लिए तत्पर तैयार होंगी। जब लोग आप लोग मेरी मुझे आवाज दोगे, मैं 365 दिन आप लोगों की हाजिर में रहूंगी।